नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, लेकर आज के पंजाब विधानसभा चुनाव की एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों, आखिरकार पंजाब में किसकी बनने जा रही है सरकार? जनता सर्वे के मुताबिक कौन बनाएगा इस बार पंजाब के अंदर विधानसभा सरकार? दोस्तों, यहाँ पर पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के शुरुआती महीनों में है और इनको लेकर अब सारी पार्टियां ने कमर कस ली है और तैयारियों की झोंक में झुक चुकी है। पर दोस्तों, यहाँ पर तैयारियां ही जरूरी नहीं, आखिरकार यहाँ पर जनता दिल कैसे बहलाएगी तमाम पार्टियां, क्योंकि दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी मुसीबत एक आ चुकी है, वो किसान आंदोलन। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे किसान भी अपनी मांग को किसान आंदोलन की तरफ आकर्षित कर रहे हैं और यहां पर सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि किसान आंदोलन के जो 3 कृषि कानून है उनको वापस लिए जाए। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले कैप्टन सरकार की अमरिंदर सिंह सरकार को यहां पर खगेला जा रहा है कि किसान आंदोलन के देखते हुए सारी पार्टियां इनके ऊपर ताना मार रही है कि इनके पास पूरा साल था फिर भी किसान आंदोलन को लेकर कोई निर्णय क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन की सरकार खतरे में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने भले ही उनकी समर्थन किया हो, पर दोस्तों यहाँ पर किसान आंदोलन सिर्फ किसी पार्टी का नहीं है, वो सभी किसानों का है और यहाँ पर अब किसानों ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पे ही सवाल उठा दिए। आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर जब किसान आंदोलन के एक साल तक कांग्रेस सरकार यहाँ पर मौजूद थी, इसके ऊपर कोई फैसला क्यों नहीं आया? क्या मोदी सरकार कांग्रेस से इतनी हावी हो चुकी थी कि कांग्रेस की कोई फरियाद मानी नहीं जा रही थी? आखिरकार दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर बड़ा मुद्दा बन चुका है। पर दोस्तों, क्या यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस या अकाली, इनमें से कोई एक पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? क्या दोस्तों, यहाँ पर जो अकाली इस बार अपने ताज सजाने के सपने देखती फिर रही है, क्या वो सपने वाक्य में ही सच हो पाएंगे? आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने नए जोश के साथ इस बार सीएम चेहरे के साथ लौट रही है, तो क्या सीएम चेहरा कौन बनेगा और कौन यहाँ पर अपना ताज सजाएगा? पर दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को इस बार सत्ता से बाहर निकालने की बात चल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खिलाफ तमाम किसान आंदोलन के कार्यकारी करता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकता है और यहाँ पर अभी तक कमेंट्स के अंदर भी ये आता है कि बीजेपी को सुपड़े साफ होने चाहिए। पर दोस्तों, यहाँ पर कमेंट और एक दो जनता सर्वे के मुताबिक किसी की पार्टी के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, पर दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बन सकती है सरकार? आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर कौन सी सरकार आएगी और यहाँ पर कृषि कानून के साथ बैठेगी और कृषि कानून को देखते हुए यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी? आखिरकार दोस्तों, देखने वाली बात ये भी है कि आखिरकार कौन होगा इस बार का किंग पंजाब के अंदर। जानेंगे तमाम अपडेट व जानकारी, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और पंजाब विधानसभा चुनाव के हर एक अपडेट पल पल की जानकारी मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर। और दोस्तों, आप पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली या फिर आम आदमी पार्टी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक छोटा सा कमेंट तो आपके हाथों से भी बनता है, तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पर एक एक जिले वाइज बात कर लेते हैं, एक एक जिले की। दोस्तों, यहाँ पर फाजिलका की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि अकाली को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर फिरोजपुर की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से बीजेपी खाते में 0, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटों का बहुमत जा जाता है दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक ही सीट का बहुमत मिलेगा, जबकि अकाली दल के खाते में बिल्कुल 0, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर कपूरथला की भी 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट का बहुमत अपने नाम कर रही है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलेगा, जबकि यहाँ पर अकाली दल खाते में 1 ही सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर पंजाब की 12 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 6 सीटों का अच्छा बहुमत अपने नाम कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल रही है, तो अकाली यहाँ पर 1 सीट अपने नाम करेगी, जबकि इधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर लुधियाना की दोस्तों यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें और 14 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 ही सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 8 सीटें अपने नाम करके लीड को आगे बढ़ाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 4 से सहमत है, जबकि यहाँ पर अकाली दल खाते में 1 सीट का बहुमत दे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मानसा की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में फिर से 0 सीट का बहुमत जाएगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम कर रही है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का ही बहुमत मिल पाया है, जबकि यहाँ पर अकाली दल खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर पटियाला की 8 विधानसभा सीटें और 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 4 सीटों का बड़ा बहुमत अपने नाम करेगी। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें ही मिल पा रही है, जबकि यहाँ पर अकाली दल खाते में 1 सीट का बहुमत है, तो यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल
जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 37 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 37 में से यहाँ पर बीजेपी कहते हैं दो सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 20 सीटें अपने नाम कर चुकी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 12 सीटें अपने नाम कर चुकी है, जबकि अकाली दल खाते में 3 की सफलता मिली है, जबकि इधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूपनगर की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 से सहमत होगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटें अपने नाम करेगी और यहाँ पर अकाली को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर संगरूर की 8 विधानसभा सीटें और 8 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत पाया है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों लेकर अपने लीड को आगे बढ़ाएगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीटों से सहमत है, तो यहाँ पर अकाली को भी 1 से सहमत होना पड़ेगा, तो उधर खत्म बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर एसएस नगर की 3 विधानसभा सीटों और 3 में से यहाँ पर बीजेपी को फिर से 0 सीट मिलेगी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 3 की 3 सीटें अपने नाम कर रहा है, जबकि अकाली और अदर खत्म में भी 0 सीट का ही बहुमत है। साथ ही दोस्तों पंजाब की 51 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, यहाँ पर आम आदमी 25 सीटें अपने नाम कर चुका है, कांग्रेस को यहाँ पर 20 सीटें मिली, अकाली खाते में 4 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों 4 में से दोस्तों अब देखने वाली बात है कि चारों पार्टी को एक एक सीट का संपूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बरनाला की 2 विधानसभा सीटों और 2 में से बीजेपी के यहाँ पर 0 सीट, तो यहाँ पर आम आदमी 1 सीट अपने नाम करेगी, यहाँ पर कांग्रेस को 0 मिलेगा, तो अकाली भी 1 सीट अपने नाम करेगी और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों और 6 में से तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटें अपने नाम करेगी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि यहाँ पर अकाली को 1 मिलेगी, तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों पंजाब की हम 63 सीटों के बारे में बात करें तो बीजेपी 4 सीटों पर है, जबकि यहाँ पर आम आदमी 29 पर है, तो कांग्रेस 24 पे, अकाली 6 पे, तो अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फरीदकोट की 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस तीनों को एक एक सीट का संपूर्ण बहुमत मिलेगा, जबकि यहाँ पर अकाली को 0, तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों और 3 में से बीजेपी खाते में 0, यहाँ पर आम आदमी 2 सीट अपने नाम कर रहा है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही, जबकि अकाली खाते में 0 सीट, तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर नवानशहर की 3 विधानसभा सीटों और 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 0 मिलेगा और यहाँ पर आम आदमी, कांग्रेस और अकाली तीनों एक एक सीट का बहुमत अपने नाम करेगा, जबकि इधर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब के 72 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 72 में से यहाँ पर बीजेपी 5 पे है, जबकि यहाँ पर आम आदमी 33 पे, कांग्रेस यहाँ पर 27 पे, तो यहाँ पर अकाली 7 पे और अदर खाते में 0 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पठानकोट की 3 सीटों में से बीजेपी को 0 सीट मिल रही, तो यहाँ पर आम आदमी 2 सीटें अपने नाम करी, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल रही, तो अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मोगा की 4 सीटों में से 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, जबकि आम आदमी और कांग्रेस दोनों 2-2 सीटें अपने नाम करी, जबकि यहाँ पर अकाली और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुरदासपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस खाते में 4, अकाली खाते में 0, तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 86 विधानसभा सीटें और 86 में से बीजेपी खाते में 5 सीटें, तो यहाँ पर आपके खाते में 40 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 34 सीटें मिल रही, तो अकाली खाते में 7 और अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर होशियारपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, तो यहाँ पर आम आदमी, कांग्रेस और अकाली खाते में 2-2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जालंधर की 9 सीटें और 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, आम आदमी यहाँ पर 6 सीटें अपने नाम करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल पाई हैं, तो अकाली खाते में 1 सीट है, उधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मुख्य अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 11 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, तो आम आदमी को 5 सीटें मिल रही है, यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही है, जबकि अकाली खाते में 0, तो उधर खाते में 0 सीट है। ये पंजाब की 113 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें अपने नाम कर पाई है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 53 सीट है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 44 सीटें मिल पाई, तो अकाली खाते में 10 सीटें हैं, तो उधर खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करें, यहाँ पर मुक्तसर की यहाँ पर 4 विधानसभा 4 में से बीजेपी खाते में 0 सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट अपने नाम कर पाई है, तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें अपने नाम करेगी, यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल 0 सीट, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। दोस्तों देखने वाली बात है कि 117 में से 117 की बात कर चुके हैं, और यहाँ पर 117 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें ही जमा हो पाई है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी बड़ी संख्या 54 सीटें अपने नाम कर की है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को भी 47 सीटें की लीड मिली है, जबकि यहाँ पर अकाली को 10 सीटें मिल पाई है, तो अदर खाते में 0 सीट है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जनता सर्वे के मुताबिक आज ही विधानसभा चुनाव होते हैं पंजाब के अंदर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 54 सीटों के साथ यहाँ पर अपनी जीत का दावा कर सकती है और यहाँ पर अपना ताज पहन सकती है। दोस्तों आखिरकार आपका मानना क्या है इस एग्जिट पोल के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से। जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर ले।